वेलकम बैक सेवेंथ एपिसोड ऑफ GTA। हाँ गाइस, हम लोग सेवेंथ एपिसोड में पहुंच चुके हैं। और जैसे कि मैंने सिक्स एपिसोड में दिखाया था कि मैंने एक हेलीकॉप्टर लिया था और जो एयरफोर्स थी उसने मेरे हेलीकॉप्टर को पूरी तरीके से डैमेज और पूरे तरीके से फायर कर दिया था, यानी मिसाइल की पूरी बरसात कर दिया, तो ब्लास्ट हो गया था। मैं तो वेस्ट या बस्टेड लिख के आ गया था। तो मैं वापस से उसी जगह आ गया हूँ जहाँ पे इलीगल तरीके से मैं आया हूँ, और आप देख सकते हो मैंने कुछ क्राइम नहीं किया है, फिर भी मुझे 4 स्टार का वांटेड लेवल आ चुका है गाइस। तो मैं उसी जगह वापस से आ गया और उसके आगे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस। और जैसे कि जो मैंने आपको एक जगह दिखाया था जहाँ से मैंने एक हेलीकॉप्टर लिया था, और मैं अभी उस जगह पे जाने वाला हूँ, लेकिन पुलिस अभी भी इधर गाइस पहुँच चुकी है, आप देख सकते हो। और मैं बाइक पे हूँ, इससे पहले मैं कार था, जो कार थी वो ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुकी है, और आप देख सकते हो 4x4 की पुलिस इधर दिखेगी, क्योंकि ये माउंटेन एरिया, यानी माउंटेन एरिया पे 4x4 की पुलिस दिखने वाली है। और मैं वापस से उसी जगह पे गया आ रहा हूँ गाइस जहाँ से मुझे एक हेलीकॉप्टर मिली थी गाइस, आप देख सकते हो। और ये मैंने आपको अपना फेवरेट जगह बताया था, इधर पुलिस भी मुश्किल से ही आ पाती है, समझो नहीं आ पाती है। और आप एक देख सकते हो कि उधर एक हेलीकॉप्टर है, और आप देख सकते हो गाइस एक पुलिस की 4x4 कार आ चुकी है, लेकिन मैं इसे फटाफट से शूट करूँगा पुलिस को। तो मैंने गाइस इधर एक को दो को दोनों पुलिस को मैंने शूट कर दिया और दोनों की डेथ हो चुकी है। अब मैं गाइस सोच रहा हूँ या मैं हेलीकॉप्टर लूँ या इनकी कार लेके भागूँ। तो मैं इनकी कार लेके भागने वाला हूँ और इस कार का मैं एक्सपीरियंस करूँगा, वो भी प्रॉपर, ये माउंटेन एरिया है तो माउंटेन एरिया में इसका मुझे कैपेसिटी पता चलेगी कार की, कितनी मजबूती ये कार है जो पुलिस को मिली है। आप देख सकते हो एक और 4x4 की कार आई रही थी सामने से, और आप देख सकते हो माउंटेन 90-180 डिग्री कितना भी डिग्री रहा, लेकिन फिर भी ये कार आराम से ऊपर जा चुकी है। आप देख सकते हो मैं कितने टॉप में था, और मुझे लग रहा है ये कार की हालत ख़राब हो चुकी है गाइस, ये मुझे लग रहा है बस्टेड। आप देख सकते हो लेकिन बस्टेड से पहले मैं कितने हिल पे चले चुका हूँ, यानी कितने टॉप पे मैं हूँ अभी, इस कार को लेके आ चुका हूँ काफ़ी टॉप पे, मुझे बहुत सारे टॉप हिल दिख रहे हैं जो एकदम डिज़ाइन के साथ है, लेकिन ये क्या नीचे में गिर गया, और वो जो कार थी ब्लास्ट के मोड पे आ चुकी है और मैं सीधा नीचे गिर चुका गाइस, आप देख सकते हो। और चारों साइड से मुझे पुलिस घेर रही थी, लेकिन तो भी मैंने अपना स्पीड इंक्रीज करके मैं जल्दी से ये इस बाइक को लेके भागने वाला हूँ गाइस। आप देख सकते हो मैं बाइक को लेके और मैं रोड वे पे आ गया हूँ, माउंटेन को छोड़ के मैं रोड वे पे आ गया हूँ, लेकिन मेरा मन भी फिर भी कर रहा है माउंट। ओ शेर, अच्छा मैंने ब्रेक लिया और मैंने धीरे चला रहा था, क्योंकि वो पुलिस आ गई थी 4x4 की, मुझे उधर बिल्कुल भी नहीं जाना गाइस। तो मैं वापस से एक बाइक ले लो, ये क्या 4x4 की पुलिस इधर बहुत आ रही है लेकिन कुछ नहीं कर। तो मैं अपने बाइक पे आ गया, और जो मेरी बाइक है काफ़ी फुल स्पीड पे गाइस, आप देख सकते हो, लेकिन 4x4 की वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। तो मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, और ये माउंटेन एरिया, जैसे कि मैं बता दूँ, ये बाइक की जो कैपेसिटी इधर काम बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि ये नॉर्मल सी बाइक है, किसी ऑफिसर या कुछ मजबूती तरीके से इसको नहीं बनाया गया है, तो ये बाइक काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो मैं वापस से माउंटेन पे आ चुका गाइस, आप देख सकते हो, लेकिन इस लायक की बाइक नहीं है, लेकिन फिर भी चलाने लायक सही है। और 4x4 की जो पुलिस है वो मेरे पीछे ही पड़ गई, हाथ धो के कोई पुलिस नहीं दिख रही, ना तो ब्लैक कैट्स कमांडो ना तो हेलीकॉप्टर। इधर का आप गाइस सीन देख सकते हो, सनसेट का सीन होने वाला है, आप देख सकते हो कितना मस्त और ब्यूटीफुल सा ये सीन लग रहा था। और इधर आप देख सकते हो शेडो में कितने ऊंचे ऊंचे इधर हिल्स है, काफ़ी पतले और टॉल से हिल है, जैसे कि इनको कटिंग किया गया है, उस तरीके का इधर हिल दिखने को मिल रहा है मुझे। तो मैं इधर से सीधा नीचे, और ये क्या, मुझे लगा नीचे थोड़ा ग्राउंड होएगा, लेकिन मैं तो पूरा पानी में गिर चुका गाइस, आप देख सकते हो पूरा पानी में गिर चुका, और मुझे स्विमिंग पूल करके कहीं जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो गाइस आगे, और मेरा स्टार भी आप देख सकते हो पानी में 3 हो चुका है गाइस, आप देख सकते हो वांटेड लेवल का जो 4 था ग्राउंड पे, वाटर पे आने पे 3 हो चुका है। और मुझे ये साइड तो मुझे कुछ लग रहा था, लेकिन वो साइड आप देख सकते हो स्टेयरकेस टावर और एक बोट स्टीमर सी मोटर बोट है जो काफ़ी स्पीड चलती है, उसका स्पीड काफ़ी अच्छा है, तो मैं उस मोटर बोट को लेने को सोचूंगा गाइस, आप देख सकते हो। और मैं अभी भी स्विमिंग पूल कर रहा हूँ, तो मैं उधर ही जाऊँगा और इस मोटर बोट को मैं
हैंडल करने जा रहा हूँ, और मैं इसी को चला के इधर जाऊँगा। इधर आप देख सकते हो कितना मस्त दो पिलर बना है, वॉच टावर जैसे कुछ बना है, कि पानी में जैसे कौन ट्रैवल कर रहा है, कौन सी बोट आ रही है, कौन सी बोट जा रही है, उसके लिए हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया इधर इलीगल तरीके से मैं आया हूँ, तो इस तरीके के लिए इस कंट्री ने ऐसा कुछ किया होगा। और आप देख सकते हो इधर भी स्टेयरकेस है। इधर मैं अपनी बोट को लेके आ चुका हूँ और मैं ट्राई करूँगा इधर से मेन सिटी की ओर जाने के लिए। जैसे कि मैं पानी में गिर गया था और मैं इधर से ट्राई करूँगा, लेकिन इधर से मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है गाइस। और इधर आते ही 4-स्टार वांटेड लेवल हो गया जैसे मैं ग्राउंड पे आया, और हेलीकॉप्टर भी गाइस आप देख सकते हो कि आने लगी है। तो मैं इधर से ट्राई करूँगा, ओ शी मैं नीचे गिर चुका हूँ गाइस आप देख। तो गाइस ये जो एरिया है कुछ केज जैसा है, जो मैंने लगाया है एक स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो केज जैसा है, और मैं इधर पूरी तरीके से फंस चुका हूँ। इधर कहीं भी बाहर निकलने की नई जगह है। तो गाइज मैं इधर ही एपिसोड एंड करता हूँ। मेक श्योर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।